Abrar Fashion Fabrics, Multi-branded Fashionable Textile Showroom, Raymond's, Reed & Taylor, CRM और Dick Jam जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स, शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी, सदरी, कुर्ता पजामा। आदाब नाजरीन, आप तमाम का AET तेलंगाना न्यूज में खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत कत्ल की वारदात। गोलकुंडा पुलिस को एक कॉल से मिली इत्तला पर 18 सीढ़ी सैयद शाह दरगाह रहमतुल्लाह अलैह रेशम बाग में एक नामालूम शख्स की नाश दस्तियाब हुई। मुकामी लोगों ने इस बात की इत्तला गोलकुंडा पुलिस को दी। पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुँच कर तहकीकात का आगाज कर दिया। बताया जा रहा है कि मकतूल की शिनाख्त 25 साल मोहम्मद नवाज की हैसियत से की है, जो सेंटरिंग का काम किया करते थे। पुलिस का कहना है कि कातिलों ने मकतूल के सर पर वजनी पत्थर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो फौत हो गए। कत्ल की असल वजूहात का भी पता नहीं चल पाया। पुलिस CCTV कैमरों की मदद से कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। आइए मजीद तफसीलात जानते हैं गोलकुंडा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चंद्रशेखर की जबानी। पेश है AET तेलंगाना न्यूज से ये खसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए AET तेलंगाना न्यूज को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज दोपहर 2:30 बजे एक फोन कॉल आया था सैयद शाह दरगाह के पास एक लाश पड़ा हुआ बोल के, तो तुरंत मैं अपना स्टाफ सब मिलके वहाँ पर आ गए। आके वहाँ पूरा वेरीफाई करें तो डेड बॉडी नोटिस करके वो बॉडी के ऊपर सर के ऊपर कुछ मार लगा है, कोई पत्थर से मारे जैसा दिख रहा हो। तो उनका पूरा वेरीफाई करने के बाद उसका नाम निकला है मोहम्मद नवाज, उन्होंने सेंटरिंग काम करता है रहने का रेशम बाग। तो उसके बाद में उनका फैमिली मेम्बर्स से पूछताछ करे तो कल सुबह 10 बजे से घर में से निकला है, तो अभी तक घर को नहीं पहुंचा बोल के। तो पूरा कार्रवाई चल रही, किस वजह से वहाँ पर आए थे, वो कौन एक काम करने का चांसेस है, वो पूरा वेरीफाई करके असली अक्यूज को जल्द से जल्द पकड़ के एक्शन लेंगे। अर्जुन Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and playway method, launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat, no heavy bags, locker for every student, personality development through life skills, physical fitness and sports, transport facility available. Hyderabad International School, branches at Mogalpura, Khilwat and Chadarghat.